अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, आज हम ग्रेडिंग के बारे में बताएंगे कि हम ग्रेडिंग कैसे देंगे। तो हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हुए ग्रेडिंग देते हैं, तो आइए देखते हैं कि हम ग्रेडिंग कैसे देते हैं। कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन है ग्रेटर आर इक्वल टू 70। 70 के बराबर हो या इससे ग्रेटर हो, इससे बड़े हो, तो मुझे ए ग्रेड चाहिए। फिर 50 to 69 रेंज में हो तो बी ग्रेड, 50 to 69 रेंज में हो तो फिर मुझे बी ग्रेड देना चाहिए। फिर 30 to 49 रेंज में हो तो सी ग्रेड मुझे चाहिए। अगर 30 से लेस देन 30, मतलब 30 से कम हो, लेस देन 30 मींस 30 से कम हो, तो फिर डी ग्रेड मुझे चाहिए। ये कंडीशन मद्देनज़र रखते हुए हम ग्रेडिंग देंगे। ये हमारे पास टोटल मार्क्स है। इस मार्क्स के लिए हमें इस तरह ए बी सी डी ग्रेडिंग चाहिए। तो हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और ये ग्रेडिंग हमें चाहिए। तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, और जब भी हम फार्मूला शुरू करते हैं तो इक्वल साइन से शुरू करेंगे। तो यह हम क्लिक करेंगे और इक्वल साइन से शुरू करेंगे। इज इक्वल टू एफ, इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट शुरू, ये 80 मार्क्स है हमारे पास। 80 के ऊपर क्लिक करेंगे, बी 8 आ गया। इज ग्रेटर आर इक्वल टू 70। इज ग्रेटर आर इक्वल टू 80 कॉमा 70 डबल कोट ए डबल कोट पेन कामा इफ दिस सेल इज ग्रेटर आर इक्वल टू 70 देन मुझे ए ग्रेड चाहिए। अगर ये ना हो, एफ दूसरा कंडीशन, एफ ब्रैकेट शुरू और दिस एंटिटी दिस सेल इज ग्रेटर आर इक्वल टू 50 कॉमा डबल कोलोन बी डबल कोलोन कॉमा इफ दिस एंटिटी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 50 फिर मुझे बी ग्रेड चाहिए। फिर तीसरा कंडीशन लगाते हैं, इफ इफ ब्रैकेट शुरू दिस एंटिटी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 30 कॉमा कोलोन सी डबल कोट और फिर कॉमा और ये लास्ट कंडीशन है। तो अगर सी ना हो तो फिर मुझे डी चाहिए, तो फिर डबल कोट डी और डबल कोट और फिर हमने थ्री कंडीशन लगाया है। तो यहाँ पर हम थ्री ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर हम एंटर दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पास ए ग्रेड आ गया है।
चूंकि एटी कंडीशन पाल करता है दिस कंडीशन जो मी ग्रेट है, ये एटी है और दिस कंडीशन में पाल होते हैं तो फिर ये मुझे ए ग्रेड देंगे। फिर हम इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये सारा जितने भी नंबर्स टोटल मार्क्स हमने लिखा है इसका ग्रेड इधर मुझे ये नज़र आएगा। आप देखें ये ग्रेड ए है, ये सी है, 47 है और 47 इस रेंज में पाल होते हैं तो ये 47 सी ग्रेड में आता है, 34 भी सी ग्रेड में आता है और 25 डी ग्रेड में, सी ग्रेड में, फिर 75 ए ग्रेड में, 55 बी ग्रेड में और 45 सी ग्रेड में और 33 बी सी ग्रेड में पाल होते हैं। तो ये हमारे पास एक कंडीशन हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेडिंग के लिए, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और ग्रेडिंग हम इस तरह निकाल सकते हैं। अगर आप इधर इनके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये फार्मूला आपको शो हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली हमने ड्रैग किया, जो पहला फार्मूला हमने लगाया फिर हमने ड्रैग किया, सारा ग्रेडिंग उसने निकाल दिया है। तो ग्रेडिंग के लिए हम एफ कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। एफ कंडीशन हम और जगहों पर भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। आइंदा के लिए हम एफ कंडीशन और टेबल्स में इस्तेमाल करेंगे। आपको इसके बारे में भी बहुत जल्द वीडियो हम शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आइंदा जितने भी वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे आप तक टाइम पे पहुंच जाए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी।